Hello everyone, good evening and welcome back to the Unacademy. And I'm so sorry for a slight delay in the session because there was some technical error. My software was giving me some hard time. But guys, I've started now. So let's begin the topic for the revision of the current affairs through the MCQs for Prelims 2019. I'm sure you people are loving this course. Aapko bahut achha lag raha hai course, I'm sure. Aur bhi bahut sare innovative main courses lekar ke aaunga. So I'm trying to make a lot of courses like that. अभी एक छोटा सा इनिशिएटिव, एक छोटे से एफर्ट्स आप सब लोगों के लिए, ताकि करंट अफेयर्स आपके इतने सॉलिड हो जाएं, सो दैट यू पीपल विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन योर एग्जाम्स. यूपीएससी 2019 के लिए ये एक्सक्लूसिव कोर्स आई हैव क्रिएटेड. एंड गाइस, एज यू नो, माय नेम इज आशीष मलिक एंड आई कीप ऑन कमिंग. अब तो फैमिलियर फेस हो गया हूँ, आता रहता हूँ आप लोगों के सामने. अब तो पहचान जाओगे, कभी कहीं मिले तो ज़रूर पहचान जाओगे. इतना तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ आप लोगों से, राइट? चलिए, एनीवेज, जोक्स अपार्ट, जी हाँ, आज गला बेटर है, गला बेटर हो गया है. आप ही लोगों की दुआ है यार, आज ठीक हो गया है. ठीक है, चलिए तो फिर आज शुरू करते हैं. आज के जो टॉप 20-30 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट गाइस, एज यू नो, आई टीच लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी मैं लाइव पढ़ाता हूँ. सो थैंक अथीरा नायर, थैंक यू सो मच. माई थ्रोट इज मच मच बेटर नाउ. सो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न्स, राइट? ठीक है, और जिसकी जो भी क्वेरीज हैं गाइस, एटलीस्ट क्वेरीज आप लास्ट के लिए बचाइए. पहले सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लास्ट में आप सभी लोगों की क्वेरीज भी जरूर लेंगे, राइट? सो गाइस, आई टीच ऑन अनअकैडमी प्लस. आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. आशीष मलिक 8996 मेरा रेफरल कोड है, लिखा हुआ है ग्रीन कलर से. जब भी आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेंगे, 1 month, 3 month, 6 month और 12 month की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आपको सभी कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा. सिर्फ मेरे कोर्सेज नहीं, सभी के कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलेगा. और मैं टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और टॉप 250 टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स के लिए, वो भी मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है अगले महीने का ही. सो डोंट वेट, अप्रैल में ही अपनी सीट्स बुक कीजिए, अप्रैल में ही सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी प्लस का, और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा. एंड यू पीपल विल डायरेक्टली अंडर माई गाइडेंस अनलेस अंटिल यू गाइज गेट दिस एग्जाम क्लियर. आपके इंटरव्यू लेवल तक भी मेरी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, और जो भी क्वेरीज वगैरह हैं आपकी, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे मैसेज भी कर सकते हैं गाइज, राइट? चलिए, फैन मीट कर लो. अरे यार, फैन फेस्ट करना पड़ेगा, अनअकैडमी का भी फैन फेस्ट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है. ठीक है, अब जिसकी जो क्वेरीज हैं यार, वो लास्ट में लेते हैं. ठीक है गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. आपको यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू आंसर इट बाय सेइंग प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देन गिव द आंसर. पहले क्वेश्चन नंबर, उसके बाद उसका आंसर आप दीजिएगा, राइट? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, अनाउंस रिसेंटली द स्टेट बर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है, रिसेंटली अनाउंस किया है, बताइए. किशोर कुमार शाह, मैं आपको बताऊंगा एंड में हाउ यू कैन बाय. अगर आपको जो भी डाउट्स हैं तो मैं आपको बता दूंगा एंड में, आप प्लीज लास्ट तक बने रहिए. आई विल टेल यू द एंटायर प्रोसीजर ऑफ हाउ टू बाय द सब्सक्रिप्शन. और बहुत इकोनॉमिकल है गाइस, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है. रत्ना सिंह, आई विल गिव यू माई रेफरल कोड फॉर श्योर. चलिए, लास्ट में सारी क्वेरीज आपके लास्ट में मैं पूछूंगा, जो भी क्वेरीज हैं गाइस, होल्ड ऑन प्लीज. राइट आंसर इज ए, दैट इज रोज रिंग्ड पैराकीट. आंध्र प्रदेश का अभी रिसेंटली एक स्टेट बर्ड चुना गया है, दैट इज रोज रिंग्ड पैराकीट. ये रोज रिंग्ड पैराकीट है, इट इज नोन एज राम चिल्का. इसे राम चिल्का भी बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है ये पोइट्स के अंदर और लिरिसिस्ट जो होते हैं आंध्र प्रदेश के, वहां पे बहुत पॉपुलरली इसको बोलते हैं राम चिल्का. आइडल कपल्स आर कंपेयर टू द पेयर ऑफ पैराकीट्स, जो बहुत ही आपस में एकदम लवी डवी जो कपल्स वगैरह होते हैं, आइडल कपल्स होते हैं. ठीक है, सो उन सभी को जो है आप चिल्का, राम चिल्का के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और मेरे से इंडो अमेरिकन किचन पूछ रहे हैं हाउ टू बाय सर. यार मैं आपको अभी बताऊं या लास्ट में बता दूंगा, आई टेल यू इन द एंड. इंडो अमेरिकन किचन, आई टेल यू द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ टू बाय.
एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. आई टेल यू द एंटायर प्रोसीजर, राइट? Fine. So second question, the Kumar province sometimes in the news is located in which of the following? Bataiye. Yes, it's a parrot. Actually, Asma, it is a parrot. Absolutely. Thank you so much, Shakti. Thank you so much. Chaliye, guys. So Kumar province, which is sometime in the news, it is located with which of the following? Afghanistan mein hai, Kunar province, Pakistan mein, Nigeria mein, ya fir Chad mein. ओके सो संत सुकरन ने हमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है दैट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस. कीप ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग वट एवर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू हैव, बट दैट हैज टू बी रेलेवेंट होनी चाहिए. बाकी यू पीपल कैन कीप ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर नॉलेज. इट्स योर चैनल ओनली गाइस. फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस इन द एंड एंड फील फ्री टू कॉन्ट्रीब्यूट राइट हियर. Right answer is A, Afghanistan. Absolutely. So the Kunar province is located in Afghanistan. Afghanistan ke andar hai Kunar province. Abhi kafi zyada recently news mein thi kyunki jo Pakistani Talibani leader hai Mullah Fazluha usko maar giraya hai US aur Afghan ki air strike mein Afghanistan mein. Aur abhi ek senior ye Afghan defense ministry ne bataya. और इसी के बाद जो एक किलिंग एक टेंशन थी यूएस और पाकिस्तान में वो भी ईज आउट होने की थोड़े से चांसेस हैं, इसलिए ज़्यादा ये न्यूज़ में आया था, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन. ऑसिरिस रेक्स एंड हायाबुसा बोथ रिसेंटली इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑसिरिस मिशन आपने जरूर सुना होगा, हायाबुसा मिशन भी आपने जरूर सुना होगा. दे बोथ वर इन द न्यूज, बट किस चीज से रिलेटेड है? इज इट अबाउट द कार्बन कैप्चर और इज इट अबाउट द ओरैंगुथम क्लोनिंग एफर्ट्स? क्या क्लोनिंग से रिलेटेड है, कार्बन कैप्चर से है? ओके सो आरफा के ने हमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया दैट टुडे इज वर्ल्ड हेरिटेज डे. ग्रेट गाइस, सो प्लीज सभी लोग नोट कर लीजिए आज वर्ल्ड हेरिटेज डे भी है. सो सबसे पहले मुझे आंसर दिया है प्रियांशु शर्मा ने एंड देन आई एम गेटिंग द आंसर फ्रॉम आशुतोष, देन विद्या राजेश, अथिरा एंड अतुल प्रवीण. ठीक है, एंड मयंक रावत ने एक और कहा है कि दैट नाटो हैज पुल्ड आउट ऑफ राजस्थान. ओके फाइन. सो गाइस द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी व्हिच इज एब्सोल्युटली गिवन बाय मैक्सिमम ऑफ यू पीपल. एज आई कैन सी सभी लोगों का मैक्सिमम आंसर सही है गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट. आई एम सो हैप्पी, सो इम्प्रेस टू सी द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम एंड द पैशन दैट यू पीपल हैव फॉर द एग्जाम. दैट्स अमेजिंग गाइस, ट्रस्ट मी दिस पैशन इज समथिंग व्हिच विल कीप ऑन मोटिवेटिंग यू टिल द एंड. इट्स अ लॉन्ग जर्नी और पूरे साल आपकी और मेरी मुलाकात तो होती रहेगी डेफिनेटली, यूट्यूब पे भी, मेरे चैनल्स पे भी और अन अकेडमी के ऊपर भी. सो ऑसिरिस और हायाबुसा जो है ये एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है, याद रखिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में, जरूर आ सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, राइट? चलिए मयंक रावत ने एक और यहाँ पे बताया है, एक प्रियांशु शर्मा ने बोला है कि जो हायाबुसा है वो जापानीज मिशन है और जिसने रिग्यू जो है उसको टच किया है, एस्ट्रॉयड को टच किया है. और मैं आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गाइस, हायाबुसा 2 अभी रिसेंटली लॉन्च किया था जैक्सा ने. जैक्सा मींस जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, 2014 के अंदर अभी लॉन्च किया था. और हायाबुसा जो हिट करना चाहता है टारगेट है उसका एस्ट्रॉयड रियोगू, ठीक है? और इससे पहले एस्ट्रॉयड इतोकावा करके एक एस्ट्रॉयड है उसको टारगेट किया था हायाबुसा ने, जो उसका प्रीवियस वर्जन था 2003 के अंदर, राइट? सो अभी और एक और दूसरा मिशन है ऑसिरिस रेक्स, वो एस्ट्रॉयड बेनू जिसका कोड नेम है 101955 को टारगेट किया गया अगस्त के अंदर, राइट? बिल्कुल सही है आसमा मोहम्मद, बेनू है उसका नाम, बिल्कुल, दैट्स व्हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट किसने अभी रिसेंटली किसने रिलीज की है? कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट अभी रिसेंटली किसने लॉन्च की है? यस ऑफ कोर्स पीयूष सिंह, आप जिसकी भी जो क्वेरीज हैं गाइस, लास्ट 10 मिनट्स में हम हमेशा क्वेरीज लेते हैं, जिसके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, प्लीज होल्ड ऑन टिल द एंड. 9:20 से 9:30 तक मैं क्वेरीज लेने वाला हूं, सो प्लीज डोंट वरी, सभी आप सभी की क्वेरीज को क्लियर करके ही सेशन ओवर किया जाएगा. राइट आंसर इज सी, नीति आयोग. बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, अमेजिंग अमेजिंग, सो गुड टू सी सो मेनी ब्रिलियंट पीपल टुगेदर गिविंग द राइट आंसर्स, अमेजिंग. सो कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, अमेजिंग. ठीक है, चलिए
Next question. Next is again a very short kind of question. Hilumi. Hilumi recently in the news is related to what? Hilumi kis cheez se related hai? Aapke paas option hai street lighting program hai ya black marble project hai ya fir animal ethics initiative hai ya fir it is large hadron collider. What is this all about? And guys, apna score bhi note karte rehna. Last mein I will ask you how many of questions you have got the right. And let's see the topper of the day. Let's try to see aaj ka hamara topper kaun hoga. Topper ke liye I have special surprises. First three rankers, right? So pehle teen topper honge, unke liye rahenge right answers. And please guys, make sure that you write the question number first and you give the answer then. Otherwise, live stream mein pata nahi chalta ki aapka answer kya hai. So yahan pe right answer jo hai Hilumi ko lekar ke, that is not A. Bahut sare logon ne galat answer diya yahan pe. Right answer is not street lighting, guys. Hilumi ko aap illumination se compare karke shayad galat kar gaye, but that should not be the answer. Right answer is D. CERN ka large hadron collider hai. Hilumi jo hai large hadron collider se related hai, because Hilumi ka matlab hai high luminosity, large hadron collider. Full form agar aap dekhenge Hilumi ki, ye hai high luminosity large hadron collider. Pura name ye hai, and this is an upgrade of normal jo pehle large hadron collider tha. जो लास्ट जो अब आपका लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर था उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है. एंड दिस Hilumi विल मेक इट पॉसिबल टू स्टडी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इन मोर डिटेल देन एवर बिफोर. एंड अपग्रेड विल बूस्ट द एक्सेलेटर पोटेंशियल फॉर द न्यू डिस्कवरीज इन फिजिक्स स्टार्टिंग इन 2026 से शुरू होगा ये, और जहाँ पे एक नए लेवल पे और ज़्यादा पोटेंशियल इसके अंदर नई नई डिस्कवरीज फिजिक्स के अंदर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इमोबिलाइजेशन ऑफ अ हाई लेवल वेस्ट इनटू विट्रिफाइड बोरोसिलिकेट ग्लासेस. इट इज अ प्रोसेस कंपल्सरली एम्प्लॉयड इन द मैनेजमेंट ऑफ. जब आप बोरोसिलिकेट ग्लासेस के अंदर इमोबिलाइज करते हैं हाई लेवल वेस्ट को, तो ये प्रोसेस जो है वो कंपल्सरी किस कौन से वेस्ट के मैनेजमेंट में यूज की जाती है. गाइस बहुत केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली आप इस क्वेश्चन को पढ़िए. इमोबिलाइजेशन ऑफ अ हाई लेवल वेस्ट इनटू विट्रिफाइड बोरोसिलिकेट ग्लासेस किसके यूज में यूज होता है. प्रशांत पांडे, प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वरना नहीं समझ में आएगा कि आपने कौन सा आंसर दिया है, कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है. सो आशुतोष ने सबसे पहले आंसर दिया है एज ए. देन प्रदीप संपत गिवन द आंसर एज सी. लक्ष्मी इज सेइंग ए. सुधांशु सेइंग ए. एंड अतुल प्रवीण सिंह. तो मैक्सिमम लोगों ने ए आंसर दिया है, दैट्स ग्रेट. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, एब्सोल्युटली. न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करते टाइम वी ऑलवेज ट्राई टू इमोबिलाइज जो हाई लेवल वेस्ट है उसको विट्रीफाइड बोरोसिलिकेट ग्लासेस में डाला जाता है उसकी मैनेजमेंट के लिए. ये कंपल्सरी है, ठीक है. जितने भी आपके रेडियो वेस्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, दे आर जनरेटेड ड्यूरिंग द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, चाहे वो माइनिंग है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन है, और बहुत सारे प्रोसेस हैं, इंडस्ट्रीज, डिफेंस, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च. इन सब के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, राइट. और रेडियो एक्टिव जो वेस्ट हैं दे कैन बी इन गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, एंड इट्स लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑल्सो वेरी, राइट. So high level radioactive liquid jo waste hai, it contains most of the radioactivity in the entire fuel cycle and it is produced during the reprocessing of the spent fuel. Chali, next one. Aur iske ye jo stages bata rahe, management ki jo stages hai guys, nuclear waste ke jo management hai unme teen stages hai. Pehli stage hai immobilization of liquid, high level liquid waste into vitrified borosilicate glasses. Second one is engineered interim storage करते हैं vitrified waste को for passing into cooling and surveillance over a period of time, ताकि वो quantify, qualify कर सके ultimate disposal के लिए. बिल्कुल alpha hazardous waste management 1989, absolutely correct, बिल्कुल उसी के regarding है ये. और ultimate storage last में disposal करते हैं vitrified waste को deep geological repository, जो बहुत ज़्यादा deep में जा करके कोई बहुत पुरानी mines होती हैं या फिर बहुत deep borrow करके उसके अंदर डाल दिया जाता है, वो भी बोरोसिलिकेट ग्लासेस के अंदर भर के, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. एंड गाइस वी हैव रीच्ड 200 लाइव व्यूअर्स, दैट्स अमेजिंग. 200 लोग अभी लाइव हैं एंड आई एम श्योर आप सभी को बेनिफिट होना चाहिए इस ऐसे कोर्सेज का. दैट इज द रियल मोटिव ऑफ हैविंग दीज कोर्सेज. एंड आई एम श्योर
200 में से 200 लोगों का एग्जाम क्लियर होगा. आई एम रियली रियली होपफुल आप लोग जरूर आपको बेनिफिट होगा इस क्लासेस का. राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7. द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और द प्लेटफॉर्म अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल विच ब्रिंग्स टूगेदर वुमेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू रियलाइज देयर एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशन इज अंडर द एजेस ऑफ व्हाट. सो अविरल साहू ने एक और एडिशन किया कि जो हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स थे 18-9 वाले उनको अमेंड कर दिया गया है 2019. दैट इज ऑल्सो ट्रू. बिल्कुल सही उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है. दैट्स अमेजिंग. चलिए तो यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है वो किसके अंडर आता है. दैट कम्स अंडर नीति आयोग. एंड द आंसर राइट आंसर इज गिवन बाय आदिति श्रीवास्तव एंड अथिरा नायक ऑल्सो एंड आशुतोष हैज ऑल्सो गिवन अस द राइट आंसर. अमेजिंग, बहुत बढ़िया गाइज. बैनिंग ऑल स्टेट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है. चलिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे. दैट इज नीति आयोग होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म याद रखना है, ये यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल है जो साथ में लेकर के आता है वुमेन को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ताकि वो अपने एंटरप्रेन्योर जो आपके उनके एंटरप्रेन्योरियल जो एस्पिरेशन हैं उनको रियलाइज कर सके, उनको यूज कर सके, उनको जी सके. दैट कम्स अंडर द नीति आयोग. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 8. द इमेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इज नॉट टू बी फाउंड ऑन रिवर्स ऑफ एनी बैंक नोट डिनोमिनेशन. आई एम श्योर आप लोगों ने अपने बैंक नोट्स देखे होंगे जो हम लोग अपनी करेंसी यूज करते हैं इंडिया की. उन बैंक नोट्स के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ एक किसी मॉन्यूमेंट की फोटो रहती है. राइट, आपको बताना है कि वो कौन सी ऐसी हेरिटेज साइट है, कौन सी ऐसी हेरिटेज साइट है जो नहीं है अपने बैंक, जो नए बैंक नोट डिनोमिनेशंस हैं उनके अंदर कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नहीं अभी प्रिंट किया गया है. बताइए. शिवा प्रसाद पूछ रहे हैं फ्रॉम विच मंथ्स करंट अफेयर दिस. यार ये मिक्स है, आपको ये वाले जो है अभी 2018 को कवर कर रहा हूं, 2018 के बाद 19 के ऊपर भी आऊंगा. राइट, चलिए. सो राइट आंसर इज बी, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज बी. स्टोन चैरिट भी आपको मिलता है हम्पी के ऊपर और रानी की वाव जो है वो भी प्रिंटेड है, रेड फोर्ट भी प्रिंटेड होता है, बट दिस पद्मापन्नी पेंटिंग अजंता को अभी तक यूज नहीं किया गया. सो वी हैव नॉट फाउंड पद्मापन्नी पेंटिंग्स अजंता केव्स ऑन एनी ऑफ द बैंक डिनोमिनेशन. देखो जो 10 रुपए का नोट होता है, ऑन 10 रुपीज नोट वी हैव सन टेम्पल कोणार्क, फिर 50 रुपए का जो बैंक नोट है वी हैव स्टोन चैरिट ऑफ हम्पी ऑन दैट, रानी की वाफ जो पतान है दैट इज ऑन 100 रुपीज नोट, सांची स्तूपा है 200 रुपए के ऊपर, 500 के ऊपर रेड फोर्ट और 2000 के ऊपर मंगलयान. चंद्रयान नहीं है ऋतु, वी डोंट हैव चंद्रयान येट. चंद्रयान नहीं है ऋतु यादव, इट इज मंगलयान. ठीक है, अब देखो यहां से आपका एक और क्वेश्चन बनता है. अगर आपसे एग्जाम में आ जाए मैच द फॉलोइंग, आपको एक तरफ दिया हो सन टेम्पल, स्टोन चैरियट, रानी की वाव, सांची स्तूप, रेड फोर्ट और सामने दिया हो उनके प्लेसेस, तो आपको मैच करना भी आ सकता है. राइट, स्पेशली ये सारी चीजें कि रानी की वाव कहाँ है, वो पतान में है, रेड फोर्ट दिल्ली में है, स्टोन चैरियट हम्पी में है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए. Yes, Mayank, Notre Dame incident, fire incident, it was also, yes, definitely, very unfortunate. ठीक है, तो आपको ये याद रखने guys, ये आपको याद रखने सारी चीज़ें कि कौन से नोट के पीछे, और प्रैक्टिकल कर लेना अपने आज ही, करंसी अपना वॉलेट खोलो, आप सारे डालिए उसमें, अपने नोट चेक करो, मिलेंगे आपको आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पिच ब्लैक विच इज़ अ बाइनियल एक्सरसाइज, यानी 2 साल में एक बार होती है एक ये एयरक्राफ्ट की एक्सरसाइज है, पिच ब्लैक बोलते हैं. सो दिस इज अ बाइनियल एक्सरसाइज टू विच इंडिया हैज सेंट फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार इंडिया ने अभी इसी बार पिच ब्लैक एक्सरसाइज में इंडियन फाइटर्स को भेजा है. राइट, बिल्कुल मोहित, 50 रुपए का नया नोट जारी किया आरबीआई ने, बिल्कुल सही है. ठीक है, सांची स्तूप ओके, मंगलयान मंगल पे है, ठीक है, मंगलयान मंगल पे है, बहुत बढ़िया. रोज नोट देखो, रोज नोट कमाओ, रोज नोट खर्च करो भाई, बिल्कुल सही है.
राइट आंसर क्या है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज के कौन कौन पार्टनर है, अभी कहाँ कौन होस्ट करता है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही गाइस, अमेजिंग, सभी लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। और मयंक ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है दैट इंडिया ने जो कौन से फाइटर प्लेन भेजे हैं, सुखोई 30 को इंडिया ने भेजा है, सो ऑस्ट्रेलिया होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया लिखा भी हुआ है, सुखोई 30 फाइटर्स भेजे गए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बॉस्पोरस और बॉस्पोरस, कोई भी आप समझ लीजिए, बॉस्पोरस को या बॉस्पोरस स्ट्रेट, किन किस किस को यूनाइट करता है। बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है इट यूनाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास ऑप्शंस हैं, ब्लैक सी, सी ऑफ मारमारा, अजोव सी या फिर एजियन सी। बताइए, वाई टी डी कभी इफ यू थिंक इज इफ इट इफ दैट इज द केस, इट्स ओके गाइस, आप रिविजन कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपकी रिविजन है, सपोज ये समझ लीजिए कि आपकी रिविजन हो रही है, ठीक है। चलिए, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, दैट इज ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमर। आप देख सकते हैं जो बॉस्फोरस स्ट्रेट आपके सामने है, ये ब्लैक सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। बॉस्फोरस सी एशिया और यूरोप को आपस के बीच में कनेक्ट कर रही है, टर्की जो है, टर्की और वहां से आपका जो यूरोप का पार्ट है उनके बीच में आती है बॉस्फोरस स्ट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट्स हैज बीन अकॉर्डेड टू हैज बीन अकॉर्डेड द जीआई टैग, कौन कौन से ऐसे हैंडीक्राफ्ट हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग दिया गया है, एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही है प्रियांशु शर्मा, इट इज इन टर्की, बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूटली। ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमार, यस, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करती है, एब्सोल्यूटली करेक्ट, ऑसम डूड ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर बताइए, आपको बताना कि इनमें से कौन सी ऐसे हैंडीक्राफ्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट हैज बीन अकॉर्डेड द जी आई टैग एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। राइट आंसर है यहाँ पे फुलकारी। सो ये फुलकारी जो है ये एक हैंडीक्राफ्ट है जम्मू कश्मीर का, जिसको रिसेंटली दिया गया है जीआई टैग, और जीआई टैग काली शॉल नहीं है भाई, काली शॉल नहीं है, फुलकारी इज द राइट आंसर, सी होगा फुलकारी। चलिए अब एक तो आपका फुलकारी हुआ, रिसेंट वाला तो फुलकारी हुआ, और कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर के, कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट हैं जहां पे जीआई टैग्स आते हैं, पश्मीना शॉल्स, सो पश्मीना, सोजानी क्राफ्ट, वॉलनट, वुड कार्विंग एंड हैंड नॉटेड कारपेट, ठीक है। ये सारे जितने भी आपके ये हैंडीक्राफ्ट हैं, पश्मीना, पश्मीना के साथ साथ में सोजानी क्राफ्ट, वॉलनट, वुड कार्विंग और हैंड नॉटेड कारपेट, ये सारे के सारे वो हैंडीक्राफ्ट हैं जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, और लेटेस्ट कौन सा हुआ है, फुलकारी, और इन सबको क्या मिला हुआ है, जी आई टैग्स मिला हुआ है, राइट। नेक्स्ट वन गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, द फॉसिल ऑफ ए बेबी स्नेक, द टेल ऑफ ए फेदर डायनासोर, टू विंग्स फ्रॉम द वर्ड्स दैट लिव्ड अलोंगसाइड डायनासोर्स एंड एंशिएंट आर्किनिड एंड अ हॉल ऑफ प्रीहिस्टोरिक फ्रॉग्स ऑल हैव बीन रिसेंटली फाउंड प्रिजर्व्ड इन एम्बर फॉर अराउंड 99 मिलियन ईयर्स, कौन से देश में डिस्कवरी हुई है जहां पे एक बेबी स्नेक के फॉसिल मिले हैं, डायनासोर की टेल मिली है, दो विंग मिले हैं बर्ड्स के डायनासोर के साथ में, और ये सारे जो एक प्रीहिस्टोरिक फ्रॉग्स वगैरह मिले हैं, राइट। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, म्यांमार। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने ये सारे करंट अफेयर्स पढ़े, दैट्स अमेजिंग। सो आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे जो है आपके रिविजन का काम करते हैं ये करंट अफेयर्स, राइट। सो अगर रिविजन हो रही है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट, और रिवीजन के साथ आई एम श्योर आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्टअप हो रहा होगा, आई एम श्योर। जब ये कोर्स पूरा होगा तो यू पीपल विल रियलाइज दैट यू हैव एक्चुअली लर्नड सो मच, हमें रियलाइज नहीं होता, बट डिस्कशन ऑलवेज मेक द थिंग्स बेटर, डिस्कशन ऑलवेज मेक्स द थिंग बेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द मिशन ऑफ एलन मार्क आर्थर फाउंडेशन इज क्या है। चलिए, मिशन ऑफ एलन मार्क आर्थर फाउंडेशन का क्या है, जो मिशन है
ये न्यूज में काफी ज्यादा अभी रिसेंटली आया था, एलन मार्क अर्थर फाउंडेशन, वो किस चीज से रिलेटेड है, क्या मिशन आपको बताना है, 13 का आंसर. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देन यू गिव मी द आंसर. राइट आंसर इज सर्कुलर इकोनॉमी. सो ये दिया है मुझे, आंसर इज गिवन बाय शुभ्राशीष गांगुली. एक तो इतने फास्ट होते हैं कमेंट्स, मेनी टाइम आई मिस योर कमेंट गाइज. सर और कितने दिन चलने वाला है? यार ये चलने वाला है आपके एग्जाम तक, ठीक है, 31 मई तक चलने वाला है. सो यू डोंट हैव टू वरी, 31 मई तक रिवीजन कराते रहेंगे हम लोग. दिस इज माय रिप्लाई टू प्रतीक शास्त्री. सो राइट आंसर इज बी. एंड गाइज अपना स्कोर चेक करके रखना है लास्ट में, लेट मी नो हु हैज टॉप्ड टुडेज क्विज, आज का टॉपर कौन है मुझे बताना लास्ट में, राइट. चलिए एंड वी हैव जस्ट हिट 204 लाइव व्यूअर्स, दैट्स अमेजिंग. सो एलन मार्क आर्थर फाउंडेशन जो है, इट इज फोकसिंग ऑन एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी जो होती है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमी, यानी मेक यूज डिस्पोज. ऐसा नहीं होता, लीनियर में क्या होता है, चीजें बनी, यूज हुई, डिस्पोज ऑफ होगी. सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, इट कीप्स रिसोर्सेज इन यूज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द वाइलेस्ट इन यूज. जब तक वो यूज में होते हैं उनसे मैक्सिमम वैल्यू डिराइव की जाती है, उनको रिकवर किया जाता है, रीजनरेट किया जाता है, जैसे कि आपका रिसाइकिल करके उन्हीं चीज को फिर से सर्विस लाइफ में लाया जाता है, राइट. दैट इज अ सर्कुलर इकोनॉमी. लीनियर में क्या होता है, बनाया, यूज किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया. एंड दिस इज द टाइम, दिस इज एक्चुअली वी नीड दिस टेक मेक एंड डिस्पोज. इससे आगे जाना पड़ेगा, राइट. इसलिए सर्कुलर इकोनॉमी इज अ वेरी रिस्टोरेटिव एंड रीजेनरेटिव इन डिजाइन. और ये कौन सी फाउंडेशन है, दैट इज बिल्कुल सही बात है, अविरल साहू ने बताया, 3R, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, एब्सोल्युटली. देवव्रत दश, माय टाइमिंग्स जो है डेली क्लासेस, दैट इज 8:30 गाइस, नोट डाउन कर लो अपने आप, रिमाइंडर लगा लीजिए, 8:30 टाइमिंग्स है, 8:30 एवरी डे, एक घंटा चला करेगा, 8:30 to 9:30. सुपर फास्ट चवाली चौहान को ज्यादा ही फास्ट चाहिए, ज्यादा ही उनको आई थिंक स्पीड पसंद है, थोड़ा सा आराम से चलो यार, इतना भी जल्दी में मत चलो. क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म स्पेस वेदर जनरली रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ द सन एंड इन द सन के अंदर कहां कौन सी जगह पे आप सन के अंदर मिलते हैं, ये स्पेस वेदर जो है टर्म यूज होती है, और साथ में और कहां पे यूज होती है, मैग्नेटोस्फेयर के अंदर, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर के अंदर, कहां पे? चलिए, यस निधि अग्रवाल, डेली क्लास होंगी, 8:30 को डेली क्लास हुआ करेगी, डोंट वरी. राइट आंसर इज C 1, 2 and 3. जो स्पेस वेदर है वो सन में भी है कंडीशंस, मैग्नेटोस्फेयर में भी है, आयनोस्फेयर में भी है और थर्मोस्फेयर में भी है, राइट. इतने सवाल आप लोग मुझसे कर रहे हैं यार, आंसर देने में ध्यान लगाओ, बिना मिस हुए क्लास चलेगी क्या? चलिए आप देख ही लेना, जब रोज आप आएंगे तो आपको दिख ही जाएगा बिना मिस हुए चल रही कैसे चल रही है, राइट. सो एवरीवन इज फैमिलियर विद द चेंजेस इन द वेदर ऑन द अर्थ, बट वेदर ऑल्सो अकर्स इन स्पेस. हमें सिर्फ पता है जो अर्थ के ऊपर वेदर होता है, लेकिन ये वेदर जो है वो स्पेस के अंदर भी होता है, राइट. सो जस्ट एज इट ड्राइव्स वेदर ऑन द अर्थ, द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंसेज इन आवर स्पेस एनवायरमेंट. बिसाइड एमिटिंग अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ प्लाज्मा, जिसको सोलर विंड बोलते हैं, सन पीरियोडिकली रिलीजेस बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ द मैटर इन व्हाट आर कॉल्ड एज कोरोनल मास इजेक्शन. बहुत सारा कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो भी एमिट करता है सन, एंड दीज इमेंस क्लाउड्स ऑफ मटीरियल व्हेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ कैन कॉज लार्ज मैग्नेटिक स्टॉर्म्स इन मैग्नेटोस्फेयर एंड इन द अपर एटमोस्फियर. ठीक है, अभी ये जो टर्म है स्पेस वेदर, इट रेफर टू द कंडीशन ऑन द सन एंड इन द सोलर विंड, मैग्नेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर दैट कैन इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस and reliability of the space-borne ground-based technological systems, and that can actually endanger human life. ठीक है, चलिए. Question number 15. अविरल साहू ने एक और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है. आदित्य L1, जिनको नहीं पता है, सो आदित्य L1 जो है वो इसरो मिशन है सन के रिगार्डिंग. ठीक है, तो सन के ऊपर इसरो का जो मिशन, दैट इज आदित्य L1, बहुत बढ़िया. चलिए,
बताइए गाइस क्या है यहाँ पे राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिलरी गन. कौन सी इनमें से आर्टिलरी गन नहीं है. देखो हम जानते हैं धनुष भी है, K9 विज्र टीक भी है और हॉइट्जर भी एक आर्टिलरी गन है, लेकिन निधार जो है इट इज नॉट अ आर्टिलरी गन. ठीक है, धनुष को तो अपग्रेड वर्जन है स्वीडिश जो बोफोर्स गन हुआ करती थी उसी का एक अपग्रेड वर्जन है. ठीक है, ये रिवॉल्वर है, दिस इज 0.22 कैलिबर रिवॉल्वर का नाम है निधार. सो 2 years आफ्टर इंडिया लॉन्च निर्भीक विच इज अ हैंड गन पिच्ड एज कंट्रीज फर्स्ट गन फॉर वुमेन. औरतों के लिए बनाई गई थी निर्भीक गन जो बहुत ही विमेन फ्रेंडली डिजाइन था उसके, और इट इज इंडियाज लाइटेस्ट गन, सबसे लाइटेस्ट गन बनाई थी इंडिया ने. अभी एक और नई 0.22 कैलिबर की रिवॉल्वर, इसका नाम है निदार एंड इट वेज मेयरली 250 grams. ठीक है, तो और लगभग 35,000 रुपये में अवेलेबल है. चलिए क्वेश्चन नंबर 16. विच अमंग इट इज नॉट, यस यस बिल्कुल सही है, ऑसम डूड ने सही आंसर दिया है. ड्यू टू लाइट वेट इट इज कॉल्ड फर्स्ट वेमेन गन. यार निदार को नहीं कहते फर्स्ट वेमेन गन, YTD कभी मैंने बताया कि निर्भीक जो है वो थी फर्स्ट गन फॉर वेमेन. थोड़ा सा आपने करेक्ट फैक्ट प्लीज करेक्ट कर लीजिए. निदार नहीं है, निर्भीक को कहते हैं, ये भी उसी तरह की है बट फर्स्ट नहीं कह सकते आप इसे, राइट. और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट की है संत सुखराम ने. उन्होंने कहा जो धनुष है वो इंडिजीनियस है यानी इंडिया ने बनाई है, जो K9 वज्र है वो साउथ कोरिया ने बनाई है और M77 जो है वो अमेरिका की हेल्प से बना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने. सो विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स इज आर टुडे रिकॉग्नाइज एज फंडामेंटल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं गाइस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स में माने जाते हैं. राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू पिकेटिंग एंड राइट टू टेक आउट प्रोसेशंस. कौन कौन से हैं. सो 16 के बहुत सारे आंसर आए एंड राइट आंसर इज डी, और डी आंसर आई कैन सी बहुत सारे लोगों ने दिया है. अमेजिंग यार, इतने सही आंसर्स, दैट्स ग्रेट. सो जो लोग मुझे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं गाइस, आई रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देन प्लीज गिव मी द आंसर. जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, प्लीज पुट द क्वेश्चन नंबर एंड देन गिव द आंसर एंड प्लीज कीप अ ट्रैक ऑन योर ओन आंसर्स. लेट्स सी सबसे ज्यादा राइट आंसर आज किसने दिए, बाद में चेक करते हैं. सो राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू पिकेटिंग एंड राइट टू टेक आउट प्रोसेशंस, ये तीनों के तीनों फंडामेंटल राइट्स है, बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट एट ऑल अ फंडामेंटल राइट. स्ट्राइक करने का अधिकार कानून, ये राइट फंडामेंटल मौलिक अधिकार नहीं है. बिल्कुल सही है ऋतु यादव, यस. क्वेश्चन नंबर 17, द एनुअल पब्लिक अफेयर इंडेक्स. सुना होगा आप लोगों ने, ये एनुअली पब्लिश किया जाता है. सो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है विच रैंक्स द स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम द लेंस ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओ. कौन सी एनजीओ, किस एनजीओ ने डेवलप किया है, किस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स. एनुअली पब्लिश होता है, राइट. डॉक्टर योगेश दीपक. पिकेटिंग का मतलब होता है यार आपको लूटना, मतलब नॉट इन दैट सेंस पिकेटिंग, बट अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कहीं पे तो वो जो जैसे पहले शॉप्स वगैरह का लूटते थे तो वो दैट इज पिकेटिंग, राइट. रेड्डी विनायक ने सबसे पहले आंसर दिया है 17 का एस सी. देन रोजिम किम रिंगस्टे ने दिया है आंसर एस सी. अथिरा नायक ने भी सी का है, बट एनईटी संस्कृत प्रेप ने 17 का, उन्होंने भी सी का है गाइस. मैक्सिमम आंसर सी आए, लेट्स सी द राइट आंसर. That is Public Affairs Center. बहुत बढ़िया, पीसफुली स्ट्राइक, या चलिए बहुत बढ़िया. ये जो बैंगलोर बेस्ड है, बिल्कुल ये YTD कभी ने बहुत अच्छा इनपुट दिया है. बैंगलोर बेस्ड है पब्लिक अफेयर सेंटर, ठीक है. कर्नाटका बैंगलोर बेस्ड थिंक टैंक, केरला टॉप कंटिन्यूस 3 times. चलिए बहुत बढ़िया. अविरल साहू का भी कमेंट जरूर पढ़िए, काफी ज्यादा अच्छे आंसर दिए उन्होंने. चलिए गाइस, जो पब्लिक अफेयर सेंटर जो है उसने पब्लिश किया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 18, द क्वाड्रेनियल टाइगर सेंसस, द ऑलमोस्ट 500 day लॉन्ग प्रोसेस दिस टाइम हैज बीन डिजाइन बाय दीपक कुमार चौरसिया. रिपीटेड क्वेश्चंस कहां, बाकी क्वेश्चन कहां पढ़े आपने ये वाले रिपीटेड क्वेश्चंस, हाउ कम. और अगर रिपीटेड का मतलब ये कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपने लगता है सारे सोर्सेज पढ़ दिए यार,
ठीक है, चलिए। क्वाड्रिलिनियल टाइगर सेंसस जो लगभग 500 दिन लॉन्ग प्रोसेस है, वो इट इज डिजाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर इज ए। कुछ लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं, बट दैट इज रॉन्ग आंसर गाइज, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। टाइगर वॉच आंसर नहीं है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII जो देहरादून में है। बिल्कुल सही है मयंक, इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? देहरादून के अंदर। राइट, चलिए। सो राइट आंसर 18 का ए होगा, प्लीज आप गलत टाइगर वॉच पे कंफ्यूज नहीं होना। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो 500 दिन लंबा जो प्रोसेस है क्वार्टरली टाइगर सेंसस का, उसको कंडक्ट कर रही है। राइट, यस, टफ कॉम्पिटिशन डेफिनेटली, बट आई एम सो ग्लैड सो मेनी पीपल आर वेल प्रिपेयर्ड, दैट्स अमेजिंग। आई एम श्योर कि आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ऐसे कोर्सेज का भी, एंड नाउ यू गाइज आर मॉरली बूस्टेड अप। आप मॉरली भी तो कितना बूस्टअप हो गए हैं, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है। राइट, अमेजिंग टू सी दैट। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। रिसेंटली इन द न्यूज, न्यू सदरन पॉलिसी इज एम्ड एट डीपनिंग ऑफ द टाइज बिटवीन, ये जो न्यूज में चला है अभी न्यू सदरन पॉलिसी, ये किन कंट्रीज के बीच में टाइज को डीपन करने के लिए, गहरे करने के लिए है, बताइए। सो 19 का मुझे सबसे पहले आंसर जो आया दैट इज गिवन बाय अथिरा नायर, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर किया गाइस, सो आई रियली रिक्वेस्ट टू पुट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड अगेन देन गिव द आंसर, अदरवाइज कंफ्यूजन में पता नहीं चल पाएगा। सो प्लीज आई रियली रिक्वेस्ट यू टू गिव द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देन गिव द आंसर। राइट आंसर इज बी। साउथ कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में टाइज को और ज्यादा डीपन करने के लिए न्यू सदर्न पॉलिसी अभी न्यूज में चली है। सो साउथ कोरियाज न्यू पॉलिसी इज एम्ड एट डीपनिंग द टाइज विद द साउथ ईस्ट एशिया एज द नॉर्थ एशियन इकोनॉमिक पावर हाउस सीक्स टू कर्ब इट्स रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर्स लाइक चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ये जो न्यू सदर्न पॉलिसी है इसका एम क्या है? टू बेटर कनेक्ट द साउथ कोरिया टू द आसियान ग्रुपिंग्स एंड एक्सपैंड द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ एशियाज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द रीजन। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। द गिरिनिका, जो गिरिनिका है, वन काउ पर पुअर फैमिली प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है गिरिनिका प्रोग्राम है, यानी कि हर गरीब घर में कम से कम एक गाय होनी चाहिए। राइट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं है, दैट इज डिफरेंट। राइट, तुषार सिंह कंग्रेचुलेशंस, वन करेक्ट, कंग्रेचुलेशंस तुषार, वेलकम टू द क्लब। चलिए, सो ग्रीन का जो प्रोग्राम है इट इज मेंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सो ये प्रोग्राम कौन सी कंट्री अप्लाई करिए? ग्रीन का प्रोग्राम इज इन विच कंट्री? राइट आंसर इज सी, इट इज नॉट युगांडा, सम पीपल आर सेइंग युगांडा, बट द राइट आंसर इज रवांडा गाइस। यस, अविरल साहू एंड मयंक, बिल्कुल सही है, मोदी जी ने 200 गायें दी थी स्कीम के अंडर, बिल्कुल सही है। कोई भी पॉलिटिक्स हो, गाय के बिना पूरी नहीं होती हमारे देश में। राइट, इजंट इट, किसी ना किसी फॉर्म में गाय के ऊपर रिस्पेक्ट हो जाती है, आई मीन पॉलिटिक्स हो ही जाती है। राइट, आई एक्सेप्टेड योर रिस्पेक्ट अभिनव श्रीवास्तव, आई एडमायर योर कंसर्न, बट सी द पर्पज इज टू मेक यू गाइज रिवाइज इट। राइट, डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग अप, the best way is that I'm sparing my time to make you people revise. Probably many people are not following that, but at least you people are coming and following it, isn't it? That's amazing. Chaliye guys, next one. Sashakt plan will help alleviate the problems associated with which of the following? Sashakt plan, it will help elevate the programs associated with which of the following, bataiye. Bad loans ka question kahan se aa gaya abhi? Right answer is, acha iske aap iska bata rahe hain, okay fine, theek hai,
सो सशक्त प्लान जो है बिल्कुल बैड लोन से रिलेटेड है सशक्त प्लान, ठीक है। बैड लोन्स सुनील मेहता कमेटी, एब्सोल्युटली अभी सुनील मेहता कमेटी को सेटअप किया गया है टू लुक इनटू द फास्ट रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड इट हैज रिकमेंडेड अ बैंक लेड रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड अ फाइव प्रोलॉन्ग्ड अ प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी टू रिजॉल्व द स्ट्रेस एसेट। और सुनील मेहता कमेटी जो है उसी उसका जो स्ट्रेस रिजॉल्व करना है स्ट्रेस एसेट को, वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सशक्त प्रोजेक्ट, सशक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द टर्म कैटरिन, कैटरिन टर्म इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए फटाफट से करते हैं गाइस, लास्ट में फटाफट से कम 8 क्वेश्चन और रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक जाएंगे, देन आई विल स्टार्ट टेकिंग अप योर क्वेरीज। बताइए कैटरिन प्रोजेक्ट 21 का, 22 का आंसर देना है। सबसे पहले मुझे दिया है अथीरा नायक ने, आंसर ए दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं रिवीजन होना चाहिए यार, कैसे भी कोई, अब हम लोग भी हर बार नए क्वेश्चंस बना के तो नहीं ला सकते, राइट। द पर्पस इज टू मेक यू पीपल रिवाइज इट। इट इज न्यूट्रिनो, बिल्कुल राइट आंसर इज न्यूट्रिनो। कैटरिन की अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आपको जरूर आंसर आ जाएगा। कैटरिन इज अ जर्मन एक्रोनियम, इसकी फुल फॉर्म है कार्लश्रीट ट्राइटेनियम न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट, एंड दैट इज फॉर अंडरटेकिंग टू मेजर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो विद सब ईवी प्रिसीशन। न्यूट्रिनो जो होते हैं वो आपके सबसे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसकी स्टडी के लिए कैटरिन प्रोजेक्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 सेज वलार्टा मड टर्टल्स, जो वलार्टा मड टर्टल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं गाइस, चंबल रिवर, गहिरमत बीच और रन ऑफ कच या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले प्लीज पुट द क्वेश्चन नंबर एंड देन गिव द आंसर। राइट आंसर इज डी, दैट इज वलार्टा मड टर्टल्स आर फाउंड, यहां पे नहीं मिलते, दे आर फाउंड इन मैक्सिको। जिन जिन्होंने आंसर गलत कर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत कर दिया है, ना तो गहिरमत बीच है गाइस, ना चंबल रिवर, ना ही रन ऑफ कच। राइट आंसर डी है, बिकॉज दे आर फाउंड इन पोर्टो वलार्टा इन मैक्सिको। पोर्टो वलार्टा मैक्सिको में मिलते हैं, इंडिया में नहीं मिलते हैं, राइट। इसलिए नाम क्या है इनका, वलार्टा मर्ड टर्टल्स। यस ऋतु यादव ने दिया है आंसर, दे आर इन मैक्सिको, एब्सोल्युटली। 24 सेवा भोज योजना, बताइए सेवा भोज योजना के बारे में आपको बताना है, सेवा भोज योजना के बारे में बताना है। बिल्कुल कश्यप शर्मा ने बताया दैट गहिरमत में तो ऑलिव रिडली टर्टल होता है, बिल्कुल सही है। गहिरमत जो भीतरकर्णिका नेशनल पार्क के पास उसके अंदर अंडर आता है, गहिरमत बीच, वहां पे होते हैं ऑलिव रिडली टर्टल। यस मयंक, एब्सोल्युटली बिल्कुल, ओडिशा के अंदर है। सेवा भोज योजना बताइए क्या है इसका राइट आंसर। एक और एडिशनल और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है हमें संत सुखराम ने, उन्होंने कहा है कि ये फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज जो हमने अभी पीछे पढ़े वलार्टा मर टर्टल्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज हैं। तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने हमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संत सुखराम। राइट आंसर इज सी, दोनों सही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेवा भोज योजना के अंडर जो सेंटर का जो शेयर है जीएसटी का चार्ज जो किया जाता है ऐसे रॉ मटेरियल से जो कि परचेज किए जाते हैं कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मंदिर हुआ या कोई भी जो इंस्टीट्यूशन यूज कर रहा है, उन वहां से सेंटर का जो शेयर है वो हटा दिया जाएगा। और नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको नोटिफाई किया, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्विंगडाओ डिक्लेरेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्विंगडाओ डिक्लेरेशन। किस चीज से रिलेटेड है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है बताइए। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इसके बाद वी विल स्टार्ट द क्वेरीज. आपकी जो भी क्वेरीज होंगी गाइज वो आप स्टार्ट करेंगे. यस कश्यप शर्मा, इसके अंदर जीएसटी और आईजीएसटी दोनों को रिमूव किया गया था. राइट आंसर इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है, तो देयर इज नो डाउट. अभी भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं, बट नहीं होना चाहिए गाइस. ब्रिक्स नहीं है मयंक, इट इज नॉट ब्रिक्स. क्विंगडाओ डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ से रिलेटेड है. ठीक है, और मुझे स्कोर्स भी आने शुरू हो गए हैं. तो जो स्कोर मेरे पास अभी आ रहे हैं, सो असमा मोहम्मद कह रहे हैं उन्होंने 21 आंसर सही दिए, दैट्स अमेजिंग. बाकी लोगों का स्कोर क्या चल रहा है, बाकी लोगों का क्या स्कोर चल रहा है गाइज? पीयूष के दो गलत हुए, दैट्स अमेजिंग. नागिनी, सोर्स ऑफ करंट अफेयर प्लीज. अगर सोर्स बता दूंगा तो मेरी जरूरत नहीं रहेगी ना, तो फिर मैं क्या करने आऊंगा डेली आपके सामने, तो फिर तो आप लोग ही पढ़ लेंगे. राइट, बट ट्रस्ट मी, वेरी वेरी क्रेडिबल सोर्सेज आई एम यूजिंग, डोंट वरी. अंकित गोयल ने कहा है फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम टुगेदर. यस, और ये एससीओ के अंडर ही हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही हुआ है. अथिरा नायर 23, विद्या राजेश 24, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया. निर्लिप सरन 24, मयंक रावत ओके डजंट एग्री विद दैट डिक्लेरेशन, सही है. दो चीटिंग किया है प्रियांशु शर्मा ने, कितना ईमानदार है यार, कितने ईमानदार है, क्या बात है. आई एम श्योर आपके एथिक्स के एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए प्रियांशु शर्मा, ईमानदारी से बता भी दिया कि दो चीटिंग किया है, बहुत बढ़िया. ओके, सो पीयूष कह रहे 23, किसी का है 17, क्लब अबुजम 24, संतोष 20, जो बहुत बढ़िया है यार सर, इतने अच्छे आपके स्कोर आए हैं. अच्छा चलिए, अब आपकी क्वेरी स्टार्ट करते हैं, और जिन जिन के बहुत अच्छे मार्क्स, जिन जिन के 20 से ऊपर मार्क्स आए हैं गाइस, उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अमेजिंग स्कोर है. जिनके 15 टू 20 आए हैं, दे आर ऑल्सो ऑन द राइट पाथ, बट इफ बाई चांस यू आर स्कोरिंग लेस देन 15 गाइज, सो आई रियली नीड यू टू वर्क अ बिट मोर हार्ड. थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यार, 15 से काम नहीं चलेगा, बट कोई बात नहीं, लर्निंग सेशन है, दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना है. आप लोगों की सभी हेल्प के लिए हम लोग यहाँ पे हैं. नाउ लेट मी टेल यू गाइज दैट यू कैन जॉइन माय कोर्सेज ऑन अनअकैडमी लाइव. अब जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अनअकैडमी प्लस के बारे में, आप मुझसे पूछिए. मेरा रेफरल कोड सामने लिखा हुआ है, आशीष मलिक 8996. आप इस रेफरल कोड को जब यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और मेरे डायरेक्ट गाइडेंस में भी रहेंगे. एक ग्रुप फॉर्म करूँगा, ग्रुप फॉर्मेशन के बाद आपको गाइडेंस दी जाएगी अप टिल योर इंटरव्यू लेवल. ठीक है, तो आपको उसके लिए ये रेफरल कोड भी यूज़ करना है. चलिए, प्रकाश कुमार, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए भाई, 9996837414. सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो इश्यू फॉर दैट. मोस्ट वेलकम यार, मोस्ट वेलकम. चलिए, परविंदर जी का टॉप हो गया, बहुत बढ़िया. अथिरा नायर फर्स्ट टाइम इतना अच्छा स्कोर, अरे यार बहुत बढ़िया, आगे और भी बेटर आएगा. मेरा फर्स्ट डे हवा नहीं लगा, कोई बात नहीं यार, टाइमिंग आपको पता है 8:30 टाइमिंग्स रहेंगे, 8:30 टू 9:30 एवरी डे सेशन हुआ करेगा. 10 मिनट क्वेरीज होंगी, मोटिवेशनल बातें भी करेंगे, और आपको यूजफुल टिप्स भी मैं एवरीडे दिया करूंगा. और अगर आप मुझे अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन करते हैं गाइस, तो आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा कि जितने भी हमारे टॉप एडुकेटर्स हैं सभी के कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे. यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब इंडिविजुअली, सभी के कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे. दैट इज व्हाट द बेनिफिट इज ऑल अबाउट. एथिक्स में मार्क झूठ लिखने वाले के आते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखने होती हैं जो लाइफ में पॉसिबल नहीं है. अंकित गोयल, मेरे ख्याल से वो आप पे डिपेंड करता है यार, अगर जो लिख दिया है, बहुत सारी मैं मानता हूँ कि लिखनी पड़ती है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है, लेकिन जितनी हद तक आप कर पाएँ वो आप ही के आप बेनिफिट होंगे. मतलब एथिकली आप
किसी और को दिखाने के लिए सही नहीं होते, आप खुद के लिए सही या गलत होते हो, राइट? दिस इज आई बिलीव इन. थैंक यू सो मच अवनी फॉर योर काइंड कमेंट. ओके, सो मेरी एज अभी 18. सो पीयूष सिंह कह रहे हैं मेरी एज अभी 18 है, कुछ एक्स्ट्रा बताइए जिससे मैं फर्स्ट टाइम में आईएएस बन जाऊं. ओके, मुझे 2023 में पेपर देना है, अभी से तैयारी कर रहा हूं. बहुत बढ़िया. देखो यार पीयूष, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो लाइफ में, अभी 18 साल के हो, जिंदगी जियो पहले अच्छे से, एक्सपीरियंस इकट्ठा करो, बहुत सारा काम आएगा, आईएएस बनने से पहले भी काम आएगा, बन के भी काम आएगा, तो उस पर भी ध्यान देना है. मेरी टिप आपको यही है, करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रांग रखो, क्यूमुलेटिवली चलने दो. आप अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, आप बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, बहुत अच्छे अच्छे आप प्रोग्राम सुनो, जितने हो सकता है राज्यसभा समरीज आप देखो, डिबेट्स आप देखो, तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए. और एनसीईआरटीज में फोकस कीजिए, एनसीईआरटीज को अच्छे से कर लो, दैट वुड बी मोर देन एनफ. ठीक है, और ज़्यादा अभी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं. मयंक सर, वाई एथिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए सिविल सर्वेंट? वेल, अ सिविल सर्वेंट विदाउट एथिक इज नेक्स्ट टू, क्या कहूँ से मैं, दैट इज नेक्स्ट टू डिक्टेटर आई थिंक. अगर एथिक्स नहीं होंगे किसी सिविल सर्वेंट के, तो वो एक डिक्टेटर बन जाएगा यार. ठीक है, मतलब उसको सिविल सर्वेंट तो आप नहीं कह सकते, दैट विल बी डिक्टेटर. ठीक है, ओके. पी वाई मुझसे पूछ रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी या फिर न्यू, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जो अवेलेबल हो जाए आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा फर्क बिल्कुल नहीं है. थैंक यू सो मच वाई टी डे कभी, थैंक यू सो मच. चलो यार, थैंक यू. बेस्ट साइड बुक्स, मानसी बेस्ट साइड बुक्स तो आप फोकस कीजिए मैगजीन के ऊपर, मैगजीन्स में आप कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़िए, योजना मैगजीन पढ़िए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं. मैं हमेशा रेफर करता हूँ गवर्नमेंट सोर्सेज, चीप एंड द बेस्ट, बहुत ही चीप, 10-20 रुपए के आपको मटेरियल मिल जाएगा, और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है. सबसे बेस्ट बात होती है दैट दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज. सो जितने गवर्नमेंट सोर्सेज मिले उतने सोर्सेज आप पढ़िए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा. मानसी सक्सेना को मेरा आंसर है ये. Ready Vinayak, started making mocks, but tell me which two are better to do, right? R2 enough? मैं समझा नहीं Ready Vinayak, आपकी क्वेरी मैं नहीं समझ पाया, सॉरी. आप एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज. ओके प्रियांशु शर्मा, ओके थैंक यू सो मच. बिल्कुल सही है अरफा, झूठ के मार्क्स नहीं होते, सोच हमेशा सही होती है. बहुत बढ़िया, चलिए भाई, थैंक यू सो मच. जो आप मुझे थैंक यू बोल रहे हैं सबको बहुत बहुत वेलकम है, कोई नहीं, एक ही साथ वेलकम कर रहा हूँ. कोई और क्वेरीज आपकी गाइस? फिर से ओल्ड न्यू एनसीईआरटी का मैं बता चुका हूँ, कोई भी ले लीजिए, फर्क नहीं है. ओके, इंडो अमेरिकन किचन सर, आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट न्यू सेशन फॉर 2020? आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन. वेल, इट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड इंडो अमेरिकन किचन, सो प्लीज ज्वाइन मी ऑन माई अकेडमी प्लस, एंड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन ईयर आई विल बी विद यू. आप मुझे ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी प्लस के ऊपर, एंड यू विल गेट ऑल द अमेजिंग कोर्सेज. द कोर्सेज विच करंटली अन अकेडमी इज टेकिंग अप इज ऑल्सो फॉर 2020. Like I'm covering so many optional subjects and other foundation courses are there, and there will be much more things. So many things, new things are coming up. So I really want Indo-American Kitchen and all the other students, guys, this is the perfect time to join Unacademy Plus. Make sure you take 1 year subscription, because this is the best time you are getting the maximum discounts. Okay? You are also already getting so many discounts. It will be 3000 per month or something like that. And over the top of that, you will get 10% extra discount. So probably it would be somewhere 2700 or 3000. That would be the price, right? So this is the best time to join Unacademy Plus, because for one more month, I think we are giving the referral codes, then all these promotional offers will get stopped. So the things are best way to join is at this time, and take 1 year subscription. Trust me, that would be the most economical one. One year ki subscription le lijiye, guys. You will get access to all the courses. And those who do not my referral code, it is already written on the screen, guys. Screen ke upar already likha hua hai, Ashish Malik 8996.
Use this referral code while going for the subscription and you will get 10% extra discount. So Chawali Chauhan is asking me how to cover ethics. Ethics cover karne ke liye, I think you should start with the case studies. Pehle case studies study karo. Case study pehle cover karo, Chawali Chauhan, and then you come to the second part. Mukesh, how to prepare for the IAS? Start with NCRTs. NCRTs start karo, Mukesh, Raj Purohit, and keep your foundation strong and keep yourself updated with the current affairs first. And once you are done with NCRTs, I'll tell you the next plan. Contact number. Contact number maine bata diya yaar. I have told you the contact number. 9968374144. Sounds like Government Mission 2023. Main dena hai. Bro, just enjoy. Chaliye. Koi aur current, mujhe lagne aur koi query nahi hai mere khayal se. Yes, Vishwacharan Chaube, my throat is well today. Thank you so much for your concern. Gaurab Roy, plus one class mein aap aur aapko UPSC prepare karna hai. Maine bataya abhi sirf NCERTs pe focus karo aur sirf newspaper reading pe focus karo. That is all. That's all you need to do. Gaurab Roy, aur thoda sa previous CS ke question paper dekhte raho taki aapko idea rahe, right? Yes, Reddy Vinayak, two institutes mock tests are enough. Dekho, I would say don't restrict yourself, Reddy Vinayak. My answer is to you. Don't restrict yourself to number of institutes. Try as many institutes as you want. Jitne zyada institutes ke karoge, that would be best. It has to be at least 10,000 questions before you enter your exam. Are you hearing me out? Reddy Vinayak, take a target of 10,000 mock tests. Doesn't matter then how many institutes you are following. 10,000 MCQs I want you to solve, right? Piyush Singh, newspaper, Hindi medium. Yaar, Jagran Josh is good. And baki to Dainik Jagran ka jo Jagran Josh wagar aata hai, usi ko shayad zyada follow karte hain. I think you should go for that. और पीयूष सिंह जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हिंदी मीडियम में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनको भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं, उनको भी फॉलो कीजिएगा. ओके, सो पिनाशिया स्टडिंग इन क्लास 7. यार प्लीज एंजॉय योर लाइफ, यू आर इन क्लास 7. आई रियली वांट यू टू एंजॉय योर लाइफ फर्स्ट, एटलीस्ट गेट योर 10th क्लियर. And then you start your preparation. Abhi se, please don't overload yourself. Focus on 10th class, my dear. You are too young to start for UPSC. Trust me. Yes, Game Hacker. Call my name. Yes, Game Hacker, I'm calling your name, giving you a shout out. Test series kaun si lein? Nirlep Saran, test series ke regarding jo bhi aapki queries hain, आप मुझे अनअकैडमी, मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके मुझे वहां पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? वहां पे मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा. करंट अफेयर्स नागिनी, यू जस्ट बी रेगुलर इन माय क्लासेस एंड आई विल मेक श्योर दैट ऑल द करंट अफेयर्स आर कवर्ड, राइट? So for the next 40-45 days, I would be covering all the current affairs. My answer is to Nagini. So don't worry for that. I will be covering all the current affairs for you guys. Manish Bhardwaj, start karo class. Bhai, khatam ho gayi hai. Kitni baar start karo? 8:30 se 9:30 ka time hota hai. Which magazine most suitable for the current affairs? Yaar, aap Pratyogita Darpan thoda bahut time mile wo kar sakte ho. Competition success review. Lekin I would say go for Yojana. Kurukshetra, ye wale sources karo, that would be much better. Frontline is also good. Best book for economy, Ramesh Singh and Shriram IS ka printed material, if you can get if in Delhi. Karol Bagh mein bhi milta hai aur Mukherjee Nagar mein bhi milta hai. So economy ke liye Ramesh Singh standard book and supplementary material, I would say Shriram IS Coaching Institute ka aap zarur follow kijiye. That's one of the best one.
Creative knowledge point. I can't understand Hindu newspaper. Well, my course is available for this, guys. I have created a course, how to read the Hindu newspaper. So, आप वो follow कर सकते हैं. YouTube पे लिख दीजिए. YouTube पे creative knowledge point. My reply is to you. I have also conducted a session on that. Write down how to read the Hindu newspaper by Ashish Malik, and you will get an entire video of 1 hour, and it will help you out to understand how to read the Hindu newspaper, right? So, आप ये कर सकते हैं follow. I'm sure you will enjoy it. And for all those again, जिनको नहीं पता the Hindu कैसे पढ़ना है, guys. Simple YouTube पे write down how to read the Hindu newspaper by Ashish Malik, and you will get all this session. Game hacker, I have just called your name. Best book for economy बता दी मैंने. भाई Bengali medium का नहीं पता गौरव रॉय. Bengali medium का नहीं है idea. Yes, Nagini, don't worry. Everything will be covered. You have always the option to see the recorded ones. Okay, so Hazel is asking me, do we need to buy the books? Of course, there is no replacement to the standard books. So please do not replace. Online coaching is definitely one of the best platforms we have ever introduced in the education industry. But please, guys, I never ever suggest you to replace your books. Books is something which will give you much better things in more detail, right? So please do not replace the books. Do buy the books and keep online things as one of the supplementary things to that, right? Swati, aisa kuch zaruri nahi hai ki syllabus change hoga hi hoga. That is not much. It's not fixed. Change ho bhi sakta hai, nahi bhi, koi fix nahi hota. Abhijit Kumar, monthly magazines of vision is worth or not? Absolutely worth. Yes, Abhijit, absolutely worth. Go for it. Yaar, Safi, LLB entrance ke liye, I have no background. I have no idea for that. I'm really sorry. How we start? I'm doing MBA, MA. Koi baat nahi yaar, aap Lalit Chandra Belwal jo hain, start with NCRT, start with the previous year's question papers, you have a better idea for that, right? Chali, dhanyavad many times. Theek hai Piyush ji. So, kal milte hain, guys. Thank you so much. See you at the same time. Set your reminders 8:30 tomorrow. 8:30 tomorrow, I'll see you guys. Take care. Good night. Jai Hind. Jai Bharat. And do not forget to subscribe Unacademy Plus. Enjoy my classes. I'll be coming daily in front of you like this. 8:30 reminder set kar lo. See you tomorrow. That is 19th April. 8:30. Thank you so much. Take care. Jai Hind.